चैट जीपीटी इज़ ए पॉपुलर टॉपिक हुआ है, हॉट डिस्कशन हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ है रिसेंटली और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के साथ में, लेकिन स्टिल देर आर मैनी अदर एरिया जहाँ भी लोग बात कर रहे हैं। तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किसी इमेज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, वही मैं यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करूँगा। मैं हूँ सुशील और आपके साथ में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में कि ओपन एआई का जो एक मोर एप्लीकेशन है, वो एक और भी एप्लीकेशन है जो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ है, वो इमेज को लेकर के है। तो मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पर वो किसी एक इमेज को लेकर होगा और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट एक बेबी गर्ल, स्कूल गर्ल, आई विल राइट स्कूल गर्ल विथ पिंक स्कर्ट रोज गार्डन, राइट। तो ऐसा या कुछ भी हैविंग फ्लावर्स इन हैंड, तो लेट्स सी कि ये क्या जनरेट करेगा और कैसे ये इमेज होगी। तो अभी ये जो फीचर है यहाँ मैंने सेट किया है 6-7 जो है इसकी आउटपुट आएंगी, लेकिन किसी डिफरेंट डिफरेंट जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक या ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू है, हैविंग फ्लावर्स इन देयर हैंड, ये इन द रोज गार्डन एंड इन द लास्ट साइड बैक साइड यू कैन सी सम क्लाउड्स दिस वन। तो अब यहाँ जो है इन पिक्चर्स को आप सेव कर सकते हैं और इनको अपडेट कर सकते हैं फर्दर, कि जैसे ये अभी मैं यहाँ पर केवल क्रिएट कर सकता हूँ अपनी इस वेबसाइट पर तो बाय यूजिंग दिस ओपन एआई, बट सपोज आई फाउंड वन आइडिया हियर अबाउट टू द क्लाउड्स, सो मैं क्या करूँगा कि पिंक क्लाउड, तो ये फर्दर 6 जो इमेज होगा उसको जनरेट करेगा। और अब जो होगा तो अब ये जो है रोजेज इन दिया है जो जितनी पिक्चर क्रिएट हुई है, अब यहाँ से जैसे अभी मुझको सपोज किया ये पिक्चर अच्छी लगी है या ये पिक्चर है इसमें से कोई एक पिक्चर हो सकता है, तो इस पिक्चर को मैं ऐसे देख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल आ जाएगा कि जो इस इमेज का होगा कि बेबी स्कूल गर्ल विद पिंक शर्ट, टाइटल ये होगा, डिस्क्रिप्शन में ये जो सब चीज़ रखा है और इसको मैं सेव कर सकता हूँ। तो ये इमेज जो अभी क्रिएट हुआ है वो एआई के थ्रू है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक आँख छोटी है एक आँख बड़ी है, तो मैं क्या करूँगा इस इमेज को नहीं यूज़ करूँगा और दूसरी इमेज को देखता हूँ कि इस इमेज में क्या रहा। इस इमेज में ये ठीक है, तो इस तरीके का ये पैटर्न डेवलप हुआ। तीसरी इमेज में यहाँ जो है ये देख सकते हैं कि फेस उतना क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ये फीचर डेवलप करता है, जैसे यहाँ ये बिल्कुल ही एकदम गया और लैग को देख सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर नहीं है, रोजेज भी इतना एक्सपो नहीं है। तो अभी ये जो इमेजेस का है, यहाँ कुछ इमेजेस जो हैं डेवलप हो रही हैं, डेवलप हुई हैं। तो जैसे मैं एक अभी डॉग लिखता हूँ, ओनली डॉग और बार्किंग डॉग, तो बार्किंग डॉग जो है इन, तो ये अभी यहाँ इमेजेस जनरेट करके दे देगा जो ये है। अब यहाँ जो इमेजेस आई है वो ये इस टाइप से है, तो अभी जो भी इमेज आपको अच्छा लगता है, ये सभी वर्चुअल इमेजेस हैं और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ में जो है ये डेवलप किया है, लेकिन कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं है अभी जो मुझको अट्रैक्ट करती हो एक्सेप्ट टू दिस वन। तो मैं मुझको एक और आइडिया आया कि बार्किंग डॉग कार्टून, तो अब क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाएगा, तो ये यहाँ ये, तो ये फीचर अभी मैं अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर चुका हूँ, लेकिन जनरल पर्पज़ के लिए नहीं है क्योंकि ये पेड वर्जन है, तो यहाँ केवल इन पिक्चर्स को यूज़ किया जा सकता है। और जैसे ये पिक्चर मुझको अच्छी लग रही है तो इस पिक्चर को जहाँ मुझको यूज़ करना है मैं यूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये एक पिक्चर है। तो यहाँ एक आइडिया जो है ये आपके साथ में शेयर करने का था कि ओपन एआई को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक फीचर ये रहा इमेज जनरेट करने का, तो ऐसा ही कुछ और दूसरे फीचर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा अभी इन द कमिंग डेज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द आइडिया और यू आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट योर सेल्फ देन प्लीज़ लेट मी नो एंड